किशनगढ़ पुलिस ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के 10 वर्ष पुराने प्रकरण में फरार स्थायी वारंट को किया गिरफ्तार। छतरपुर पुलिस द्वारा फरार वांछित अपराधियों, इनामी बदमाश एवं स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी निरंतर की जा रही है। थाना किशनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2014 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2/9/39/50/51 के तहत कार्रवाई की गई थी। न्यायालय के RCT क्रमांक 347/18 में आरोपी काफी दिनों से फरार था। न्यायालय द्वारा महामार्च वर्ष 2024 में आरोपी जुगलाल के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था। थाना किशनगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। आज स्थायी वारंटी की कुठीला ढाबा के पास होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस को आता देख भाग रहे स्थायी वारंटी को घेराबंदी कर विधिवत गिरफ्तार किया। स्थायी वारंटी जुगलाल पिता कांशीराम गोड़ निवासी ग्राम पाठापुर थाना किशनगढ़ जिला छतरपुर को न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है। उक्त कार्रवाई में SDOP बिजावर शशांक जैन के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार तिवारी, ASI गंगाराम प्रजापति, ASI पूरन सिंह मरावी, आरक्षक खूबचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनिंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।